चारों तरफ घास है और किसान भाई जानते होंगे कि जब ये घास धरती के नीचे चला जाएगा, ये प्लॉ हल चला रहे हैं हम, तो ये हरी खाद बन जाएगा और ये खाद धीरे धीरे जैसे जैसे सड़ती जाएगा घास, ये ऑर्गेनिक खाद हो जाएगी और इससे फसल बहुत होगी। आप केमिकल डालते हो या ऐसी चीज़ें डालते हो उसकी बजाय जंतर है, मोठ है, बाजरा है, गवार है, उसको अगर दबा दो तो बहुत बढ़िया हरी खाद बनती है। तो बाद में बात करते हैं इस पर। चर्चा कर रहे थे कि हरी खाद कैसे बनती है, तो ये प्लॉ हल चला रहे हैं, घास नीचे जाएगा जितना भी, ये सब का सब सड़ जाना है और बहुत बढ़िया खाद बन जाएगी। धीरे धीरे बहुत ही अच्छी खाद बनेगी। जो आप केमिकल डालते हैं उसकी बजाय, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि अगर आप गवार, मोट, बाजरा, जंतर, जैसे कहीं अड़ंगा भी कहते हैं, अगर वो बो दो तो हमें लगता है आपको बाहर की खाद, बाहर के केमिकल की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जरूरी है। शायद ज़मीन थोड़ी गिल्ली है और ट्रैक्टर उस हिसाब से खींचने में थोड़ा सा जोर लग रहा है, कहीं सूखी है, कहीं गिल्ली है, तो उस हिसाब से ट्रैक्टर का जोर थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। ट्रैक्टर वैसे पावरफुल है, बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है, लेकिन हल भी तो बहुत बड़े हैं। नो, तो आप देख सकते हैं ये हल भी आजकल नए नए तरीके के आ गए हैं। वो एक प्रेशर से घूम जाते हैं और उसी जगह पे लग जाते हैं। हमारे टाइमों में ऐसा नहीं था, उस थोड़ा सा थाली वगैरह रहती थी, अब उसी पे ही घूम के लग जाता है। तो हमें लगता है हल तो अच्छे हैं, ट्रैक्टर भी बहुत तगड़ा है, लेकिन ज़मीन कहीं कहीं पे ज़्यादा गिली है, उस वजह से ये ट्रैक्टर को थोड़ा सा परेशानी आ गई। तो कहने का मतलब, अगर आप ज़्यादा फसल लेना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे जो हरी खाद है उसको ज़रूर बढ़ाएं, फसल भी ज़्यादा होगी और आपका खर्चा भी कम होगा, क्योंकि केमिकल खाद से वैसे भी जहर बन जाता है। और इस तरह हम ऑर्गेनिक तरीके से अगर फसल लें तो हमें लगता है वो फसल चाहे कुछ साल के लिए थोड़ी कम होगी, लेकिन उसका रेट उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप ऑर्गेनिक खेती करें और सबका भला हो। ऑर्गेनिक खेती में बहुत फ़ायदा है, अगर जहर नहीं होगा तो आपकी ही पीढ़ियां जहर से बचेंगी। आज ऑर्गेनिक खाद की वजह से और जो स्प्रे वगैरह होती है
कैंसर का रोग पूरी तरह से फैल रहा है। कुछ तो ऊपर स्प्रे की जाती है, बाकी फसल में जो केमिकल डाले जाते हैं उससे भी आज इंसान बर्बादी की ओर जा रहा है। बहुत जरूरी है कि आप ऑर्गेनिक तरीके से खेती करें। बहुत है पिछली बार शायद कुछ गिल्ली जगह आ गई थी, ट्रैक्टर का जोर भी बहुत लगता है, हालांकि बहुत पावरफुल ट्रैक्टर है। साइड भी हो जाओ, हड़ आएंगे। पता चल रहा है और किसानों के लिए बहुत जरूरी है ऑर्गेनिक खेती। आपकी आने वाली औलाद और आप खुद अगर बीमारियों से बचना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक खेती जरूर अपनाएं, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती में फसल कुछ देर के लिए कम होती है पर रेट 4 गुना भी मिल जाते हैं। तो वो चीज़ फसल की बजाय इससे आप निकाल सकते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक खेती बेहद जरूरी है, लाजमी है। आप ग्रीन खाद का सहारा लें, आप उसमें यहाँ घास थोड़ा बड़ा है, कहीं पे गिल्ली जगह ज़्यादा है तो उसमें हल ज़्यादा धस जाते हैं, हालांकि इसकी लिफ्ट कंट्रोल है, सब अच्छा है, पर हमने भी बहुत सालों बाद आज ट्रैक्टर चलाया है तो थोड़ा सा चलाने में भी वैसे तो मज़ा आ रहा है बहुत, क्योंकि हमारा बचपन से यही काम रहा है। 7 साल के थे, 9 साल के जब ट्रैक्टर चलाया करते थे, 9 साल के तो खेतीबाड़ी करने लगे थे। तो हल भी बहुत बड़े हैं और काफ़ी सालों बाद आज अच्छा लग रहा है ट्रैक्टर को चलाते हुए। आश्रम में चलाया करते थे और आज कई सालों के बाद, 6-7-8 सालों बाद ट्रैक्टर चलाने का मौका मिला है।
काफ़ी बड़ा घास है, तो घास हड़ों में उड़ जाता है, इस वजह से थोड़ा ट्रैक्टर का जोर भी ज़्यादा लग रहा है। लिफ्ट कंट्रोल है, अभी हमने चेक किया है, तो उसको आप कंट्रोल पे कोशिश करिए चलाने की। तो वहीं पे आते हैं कि ज़रूरी है ऑर्गेनिक चीज़ें खाना, शायद बीमारी पास आए ना, शायद आपके नसीब रोग आए ना, अगर आप अच्छी तरह से ऑर्गेनिक खेती करें। खाद नहीं डालेंगे, खाद इस तरह से बनेगी, ऊपर वर्मी कल्चर केंचुए की खाद डाल सकते हैं, गोबर की खाद डाल सकते हैं, और जहाँ तक कीटनाशक की बात है तो जैसे नीम की निगोड़ियाँ होती हैं, आँख के आँख होता है, धतूरा होता है, गौमूत्र होता है, और कुछ और दो चार चीज़ें ऐसी, जैसे हम लोग तो तिरफड़ा भी थोड़ा डाला करते थे तो उससे स्प्रे करते हैं। तो जो चीज़ें पौधों को ख़राब करती हैं, जो भी कीटाणु मान लीजिए कोई तेला वगैरह है, तो काफ़ी हद तक उससे कंट्रोल होता देखा गया है। तो और भी कई तरह से इन्हीं चीज़ों को डाल के अच्छी तरह सड़ा के जब स्प्रे करते हैं तो खेती और अच्छी होती है। तो ऑर्गेनिक खेती अपनानी चाहिए हमारे किसानों को। आप घबराइए ना, फसल अगर 50-60% होती है तो रेट भी 4 गुना मिल जाते हैं, ऐसा हमने देखा है। सो इसलिए आप ये मत सोचिए कि मेरे पहली बार फसल कम हुई है, मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ तो मेरे लिए ठीक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्गेनिक खेती को ज़रूर अपनाओ, और ट्रैक्टर चलाने में तो मज़ा आ ही रहा है आपको बोला। शाबाश, पहले टाइमों में हमने देखा था बुजुर्ग वहाँ ट्रैक्टर को चलाते चल बेटा चल शाबाशी दिया करते थे, ऐसा ही लग रहा है क्योंकि ज़मीन कहीं गिल्ली ज़्यादा है और कहीं सही है, तो उस वजह से ट्रैक्टर का भी जोर थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। तो कोशिश करते हैं ट्रैक्टर का जोर कम लगे और कंट्रोल से चलते हैं। हाँ अब ठीक है, चल जाओ, पुराने टाइमों की बात, ऐसे शाबाशी देते थे कि चल बेटा। तो आज किसान पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को खाना खिलाता है, सच्चा अन्नदाता है, पर उस अन्नदाता को आज बहुत सारी तकलीफों का भी सामना करना पड़ता है। जब फसल नहीं हो पाती, मुश्किलें आ जाती हैं, कभी बरसात आती नहीं, आती है तो कई बार गलत टाइम पे आ जाती है, तो बड़ा दुख लगता है जब ये देखते हैं कि एक अन्नदाता के ऊपर मुसीबत टूटती है जो पूरे देश को अन्न खिलाने वाला है। तो जितने भी किसान भाई हैं और खास करके नौजवान, आप खेती को अपनाओ, बेरोजगारी को मत सोचो कि बेरोजगारी है, खेती अपनाओ। कई लोग देखा है ज़मीन ज़्यादा छोड़ के नौकरी की तरफ भागते हैं, नौकरी ज़रूरी है लेकिन जिनकी मजबूरी है, जिनके पास खेतीबाड़ी के लिए जगह है, तो नौजवानों बड़ा मज़ा आता है ट्रैक्टर के सुर में सुर मिला के गाओ और एक अलग ही अंदाज आपको लगेगा, एक अलग ही मज़ा आएगा। ये तो आपके ऊपर निर्भर है, आप उसको किस अंदाज से लेते हैं। हम तो ऐसे ही करते थे, ट्रैक्टर चलता था साथ साथ कोई ना कोई सॉन्ग राम जी का, भगवान का बचपन से ही गाते थे। तो ये ज़रूरी है कि आप उसका अंदाज बदल दें, बस क्या फर्क पड़ता है। आपको बोला मिट्टी का काफ़ी फर्क है, कहीं बरसात ज़्यादा है कहीं कम है, तो
जैसे अब ट्रैक्टर की आवाज़ है तो इसके सुर में सुर मिला के गाते चले और भी मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। हम अपने भगवान को गा करते थे, आज आपको सुनाई देते हैं। दामा मेरे आवे मैनू लगता है तू लगता है गुलाब दा फुल वे, दामा मेरे आवे मैनू लगता है तू लगता है गुलाब दा फुल वे, चिट्टी जही फ्रेश जही लगता तू चिट्टी मिट्टी घूमवे, साईया मेरे आवे मैनू लगता है तू लगता है गुलाब दा फुल वे, रामा मेरे आवे मैनू लगता है तू लगता है गुलाब दा फुल वे। बड़ा अच्छा लगता है कि अपना काम धंधा भी निपटाते रहो और राम का नाम भी लेते रहो, तो कर्म योगी और ज्ञान योगी, कर्म कर रहे हैं साथ में राम का नाम चल रहा है, तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहें, क्या हर्ज। कई बच्चों को होता है कि मैं पढ़ लिख गया मैं ट्रैक्टर चलाऊँगा मैं ऊँट चलाऊँगा, हमने तो ऊँट का हल भी जोता है, उसमें भी बड़ा मज़ा आता है, चलाने वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, एक बार चलाना आ गया तो आप आसानी से चला सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आज के नौजवान इस चीज़ को अपनाएं, बजाए खेती को फजूल का धंधा समझने के खेती को अपना के ऑर्गेनिक खेती करें, तो बड़ा मज़ा आएगा आपको अगर आप ऐसा करते हैं। तो थोड़ा मोड़ लें ट्रैक्टर, आगे से उठ उठ के दिखाता है, शाबाश। सो बड़ा एक अच्छा सा आवाज आती है ट्रैक्टर की जब आप हर जोत रहे होते हैं, और किसान को तो मज़ा आना ही है क्योंकि उसका खेत समर रहा होता है, आने वाली फसल के लिए तैयारी हो रही होती है। तो आप देख सकते हैं अभी ट्रैक्टर चलाते हुए कैसे ज़मीन बढ़िया बनती जा रही है, बहुत ही अच्छा। सारा जो कचरा है वो एक खाद के रूप में नीचे जाएगा, ऊपर माटी डल रही है, फ्लो हल उल्टा में हल चल रहे हैं। तो हालांकि ज़मीन कई जगह पर ऐसी है, मैंने चाहा मोहब्बत को अरे पता चला, मोहब्बत को राम से मोहब्बत है, मोहब्बत को अल्लाह से मोहब्बत है, मोहब्बत को राम से मोहब्बत है, चाहा मोहब्बत को अरे पता चला, मोहब्बत को राम से मोहब्बत है, मोहब्बत को आप से मोहब्बत है मेरे रामा। आहा किसान ऑर्गेनिक खेती जरूर अपनाना। आप देखें इस साइड में घास है,
जो कचरा है और इस साइड में वो सारा दब गया है, अब खाद बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसको पानी दिया जाए, अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो इसको छोड़ दो कुछ देर के लिए, ताकि गलने का टाइम लग जाए, वो गल जाए, और फिर 3 महीने बाद या 4 महीने बाद जो फसल बोएंगे, यकीन मानो गजब की होगी, और 4-5 साल तक हरी खाद काम करती है, ये हमने आजमाया है। बाकी तो किसान भाई सब जानकार हैं, क्या उनको शिक्षा देनी, लेकिन ऑर्गेनिक खेती का हम जरूर बताना चाहेंगे कि अपने आप में बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर आप अपना लें तो। ऑर्गेनिक खेती का कमाल बेमिसाल है, आज ज़रूरत भी है, हर ज़्यादा उत्पाद करें, क्योंकि उत्पादन कम होता जा रहा है, ज्यों ज्यों लोग खास करके नौजवान बच्चे चल ऐसे मत कर, और बहुत पावरफुल है, बहुत ही अच्छे हैं, और लगता तो है कि सारी रात लगे रहे पर बहुत से काम भी करने हैं, तो इसलिए अब काफ़ी आने लगता है, तो ये लास्ट राउंड पूरा करके फिर से वापस आते हैं। काफ़ी जगह जोती है, काफ़ी जगह तैयार हो गई है, और बीज भी आप अच्छा डालें, और हम तो यही गुजारिश करेंगे आप लोगों से कि जिसमें पानी कम लागत हो वो फसल बोए, क्योंकि आने वाले टाइम में पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा आने वाली है। अगर यूं ही ज़्यादा पानी वाली फसल हम बोते रहें तो पानी का स्तर जो नीचे जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि पानी के लिए लाने पड़ जाए, तो फसलें बहुत सारी बोई जा सकती हैं। आश्रम में हम कई तरीक़ों से बोते हैं, बाग लगा लिया और उसकी डौड़ पे सब्जियां बो दी, पानी बाग को मिलता है लेकिन सब्जियां फ्री में हो जाती हैं। इस तरह से आप भी ऐसी तकनीक अपनाएं जिसमें कम से कम पानी लगे, क्योंकि आप पुरातन खेती पे ही लगे हुए हैं, जबकि नई नई तरह की खेती, जड़ी बूटियां, सब्जियां आपको बहुत उत्पादन दे सकती हैं। ये तो आपके ऊपर निर्भर है अगर आप अपनाएँ तो, बाकी पानी के ऊपर निर्भर है, अगर पानी बढ़िया है तो ये सब संभव है, ऐसा किया जा सकता है, अदरवाइज़ तो सारी खेती ही पानी पे डिपेंड करती है। यहाँ पानी नहीं है बेचारा किसान क्या कर सकता है, वो तो बरसात पे निर्भर है। राजस्थान की कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे पानी नहीं होता, नहरें नहीं हैं वहाँ पे, कुछ भी ऐसा नहीं है। लास्ट राउंड है, फिर शाम का टाइम है, मौसम भी रात में बदलने को तैयार है, तो अब काफ़ी जगह तो जोती है हमने, मज़ा तो बहुत आ रहा है, दिल नहीं करता कि छोड़े, ऐसा दिल करता है जोतते जाएं, क्योंकि बचपन से यही काम किया है। आज बचपन नहीं, आश्रम में भी हमने बहुत ट्रैक्टर चलाया है, पर 7-8 साल बाद चला रहे हैं, तो दिल करता है कि लगे रहें। तो नौजवानों आप भी एक बार चला के देखो, खेती करके देखो, बड़ा मज़ा आता है, एक रिश्ता जुड़ जाता है खेत से, एक रिश्ता जुड़ जाता है, अपनापन लगता है, और ये साधन जो है आजकल नई नई तकनीक के साधन आ गए हैं, इस तरह आप लोग इन साधनों के द्वारा फायदा उठाएँ और ज़मीन को बहुत उपजाऊ बना सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप इंटरेस्ट दिखाएं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं, जितना फ़ायदा आप और चीज़ों में लेते हैं, ज़मींदारा में भी किसान भी बहुत फ़ायदा ले सकते हैं, बस पानी के ऊपर और धरती के नमूने ज़रूर पास करवाएं। वैज्ञानिक होते हैं, आप जाएँ धरती के सैंपल, मिट्टी के सैंपल लेके जाएँ, उसमें कौन सी खाद डालनी पड़ेगी, क्या क्या करना पड़ेगा, कौन सी कमी है, वो आप दिखवा सकते हैं।
आपके ऊपर डिपेंड है। तो आप मिट्टी के सैंपल ले लेंगे, पानी के सैंपल ले लेंगे, तो यकीन मानो ha ha ha।